तो सबसे पहले सब किसी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। आदित्य मोहन का और मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम सब एकदम बढ़िया हैं। आदित्य जी, जब हम बात करते हैं नई फिल्मों की, तो एक नई फिल्म यहाँ पर शुरू हुई है जिसका मुहूर्त क्या गया है, अरविंद अकेला कल्लू की, जरा बताएं। हाँ, जो फिल्म के मुहूर्त भेल इशक ज्यादे के भेल और डायरेक्टर साहब जो बहुत खास बड़े हमारे लिए सुनील मांझी जी, ढेर सारा शुभकामना बन उनका के ग्रेट विशेज सर। बड़ा अच्छा फिल्म बनाया, उनकी पिछली फिल्म भी बड़ा अच्छा रहलक और कल्लू के साथ वो भी था, और कल्लू को भी काफ़ी सारी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेज। काफ़ी अच्छे से फिल्म बने, काफ़ी धमाल मचाई है सिनेमा भोजपुरी जगत में। अभी आपकी फिल्म आई थी जिसने बड़ा धमाल मचाया था, जिसकी बात हम कर रहे हैं काजल, तो उसके बाद आदित्य मोहन क्या कर रहे हैं? अभी मेरी दो तीन फिल्में और लाइनअप है जो होली के आसपास रिलीज होंगी, जिसमें अभी बेमिसाल खिलाड़ी है, तकरार है रतन राहा के साथ। तकरार देख के आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, तकरार जो फिल्म है। तकरार आप लोगों को, जैसे लोगों ने मेरी लास्ट फिल्म काजल को एंजॉय किया, काजल से ज़्यादा एंजॉय आप लोग तकरार को करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद एक और फिल्म आ होता है हमारा, दरदिया या बालव, वो भी काफ़ी अलग स्क्रिप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, बड़ा मज़ा आई वो फिल्म देखी। मैं दोनों फिल्म के इंतजार हुआ हम लोग। आदित्य मोहन स्टेज पर भी बड़ा काम कर लेते हैं आजकल, और रंगमंच की दुनिया में भी बड़ा तहलका मचा रहे हैं। आपके प्लेस का आयोजन अक्सर होता है अपने फेवरेट प्ले का। हाँ, जो आपने स्टेज की बात की, एज ए स्टेज में, एज ए सिंगर नहीं करता हूँ, एज स्टेज पे आप मुझे, स्टेज पे आप लोग मुझे कृष्ण के रूप में देखते होंगे। और अभी 5 मार्च को खाटू श्याम, खाटू में बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेले में मेरा प्ले है। और उसके बाद 8 मार्च को मुंबई में है, जहां मैं कृष्ण मंत्र, जो कि एक राजस्थानी नाटक है, नानी बायरो मायरो। सो और ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जितना ऑडियंस का प्यार मिला है, हमने लगभग सूरत, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, काफ़ी जगह, हैदराबाद, काफ़ी जगह इस शो को किया है। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे राजस्थानी जो ब्रजेश्वरी वाले हैं, जो राजस्थानी रंगमंच है, वहाँ से ऐसे ही मुझे और सारे काम आते जाए और ताउम्र मैं कृष्ण बनता रहूँ। आदित्य मोहन ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं बेसिकली, और गा भी रहे हैं आजकल आदित्य मोहन, सिंगर्स को टफ कंपटीशन देने का? नहीं, वो सिर्फ मेरा टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई सिंगर बनने का इंटरेस्ट नहीं है। जब वो मेरा ना बनने, तो अब का सिंगर बना, बस ऐसे टाइम पास में गा देता हूँ। कभी किसी फिल्म में भी टाइम पास के लिए गा लेते? नहीं गाऊंगा, जो काम जिसका है, एक्चुअली मुझे गाने का शौक भी नहीं है, जो काम जिसका है उसको ही करना चाहिए। अब ये भोजपुरी है हमारी, की हमारी ऑडियंस को शायद, या हमारे प्रोड्यूसर्स को, जो सिंगर से ज्यादा पसंद आ जाते हैं, बिकॉज मेरा मानना है जिसका जो काम है वो करना चाहिए। भोजपुरी में सबसे बेस्ट सिंगर कौन है, मेल सिंगर कौन है? ऑफ कोर्स पवन सिंह और अभी रितेश पांडे। आपने, आपको खेसारी लाल की सिंगिंग पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली सिंगिंग पे ज़्यादा सुना हूँ, जो सबका अपना अलग अलग फ्लेवर है। खेसारी भैया इज़ गुड, वो भी अच्छा गाते हैं, और जो मेरे फ्लेवर के गाने होते हैं, जो मेरी फ्लेवर, जैसे जो गाने मुझे पसंद है, उनमें सबसे बेस्ट तो मुझे उदित नारायण के गाने लगते हैं। उस फ्लेवर में आप आइए तो फिर पवन सिंह है, रितेश पांडे हैं, और भी लगभग उसमें सब कुछ सिंगर है। तो ऐसे अगर पर्टिकुलर जगह, तो एक एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा, बिकॉज भोजपुरी में जितने लोग हैं, हर पहला नाम सिंगर ही, उसके बाद ही एक्टर आता है, तो हर कोई सिंगर है, सबको बेस्ट है। कल्पना जी हैं होली की शुभकामनाएं जाते जाते। हाँ, मेरे तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मज़ेदार होली मनाइए, धन्यवाद। आदित्य मोहन कहाँ होली मनाएंगे? आदित्य मोहन इस बार होली मनाएंगे खाटू श्याम में, और मेरा प्ले है, और होली में वहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो मैं इस बार राजस्थान खाटू श्याम में होली मनाने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।